असल स्टूडेंट्स मैं हूं आपके साथ गुस्सा और आपको अपने यूट्यूबल ए आई ओ यू अकेडमी में खुश आमदीद कहती हूं उम्मीद करती हूं आप सब हैरियत से होंगे स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोगों को रिजल्ट के बारे में पता है आप लोगों का जो अभी तक रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो क्लियर रिजल्ट नहीं है काफी सारे क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड आज की वीडियो में उसी पर बात करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों का जो मेन क्वेश्चन है कि क्या हमारा रिजल्ट दोबारा अपलोड होगा या नहीं होगा तो बच्चों मैं आप लोगों को पहले ये बता चुकी हूं कि ये आप लोगों का अनऑफिशियल रिजल्ट है अभी तक आप लोगों का ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है ठीक है ये रिजल्ट जो आप लोग देख रहे हैं ये आप लोगों का सही रिजल्ट नहीं है अगर कुछ स्टूडेंट इस रिजल्ट में पास है तो आप लोग समझ रही हैं कि हम पास हो गए हैं हमारा यही रिज़ल्ट रहेगा अगर स्टूडेंट फेल हैं तो वो आप लोग फिर भी उसी पर बात पे आ गए हैं कि ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है तो ऐसा कुछ नहीं है पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट्स दोनों जो हैं अभी इसको आप लोग ऑफिशियल रिज़ल्ट मात बनाएं ये आप लोगों को ऑफिशियल रिज़ल्ट नहीं है ये डेली बेसिस पे अगर आप इसको चेक करते रहे तो आपकी मार्किंग जो है चेंज होती रहेगी ठीक है तो इनशाला आप लोगों का जो ऑफिशियल रिजल्ट अपडेट होगा वो आपके माइग्रेड्स के ऑप्शन में आएगा अभी जो आप लोग रिजल्ट देख रहे हैं वो माइग्रेड के ऑप्शन में नहीं है ठीक है दूसरी चीज दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो ये ये है कि जो आपके असाइनमेंट्स मार्क्स वहां पे शो हो रहे हैं क्या वो वाले असाइनमेंट मार्क्स सही हैं या नहीं सही हैं तो बच्चों वो भी असाइनमेंट मार्क्स ठीक नहीं हैं आप लोगों के ठीक है अभी थोड़ा सा वेट कर लें ट्वेंटी एट एक्सपेक्टेड डेट है हो सकता है ट्वेंटी एट तक आप लोगों का रिजल्ट अपडेट हो जाए आपके सी एम एस पोर्टल पर अपलोड हो जाए रिजल्ट वैसे अभी जो भी डेट्स बताई जा रही हैं मुझे तो किसी एक पे भी यकीन नहीं है क्योंकि रिज़ल्ट अपलोड कब होना था और अभी आप देखें कि ये तकरीबन मार्च का भी एंड चल रहा है ठीक है तो आई डोंट थिंक सो कि हम कुछ इस बारे में कन्फर्म डेट आपको बता सकते हैं जब यूनिवर्सिटी का दिल करेगा यूनिवर्सिटी रिजल्ट को अपडेट कर देगी बट ये है कि आप लोगों ने नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी कर लेनी है आप लोगों के एग्ज़ाम्स अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है इस चीज़ को माइंड में रखिएगा आप लोग कि आपके एग्जाम्स अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे हो सकता है ईद के बाद ही हो लेकिन आपकी जो डेट शीट है वो पहले अनाउंस कर दी जाएगी तो अभी आप लोग अपने रिजल्ट को लेके जो परेशान हो रहे हैं फिलहाल छोड़ दें जब ऑफिशियली रिजल्ट अनाउंस होगा तो उस बारे में फिर देखेंगे कि आपका रिजल्ट क्या आता है हाँ उसमें जो भी इश्यूज होंगे वो हम डिस्कस जरूर करेंगे आपके अगर असाइनमेंट्स के मार्क्स से रिलेटेड होंगे एग्जाम्स के मार्क्स से रिलेटेड होंगे जो भी इशू होंगे उसको हम लोग फिर डील करेंगे क्योंकि वो आपका ऑफिशियल रिजल्ट होगा उस पर फिर आपको सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे अभी फिलहाल अपने इस रिजल्ट को देख के आप लोग परेशान होना छोड़ दें इसका भी फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी कम्प्लीट ऑफिशियल रिजल्ट अपडेट नहीं करती तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं ठीक है होप सो so, आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी और इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिएगा उस पर मैं वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगी ठीक है और आपके जो परसेंटेज है जिस तरह से आपका रिजल्ट अपलोड होगा वो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ यूनिवर्सिटी की पॉलिसी में पहले आपको समझा चुकी हूँ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोग देख लीजिएगा और जैसे ही रिजल्ट ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होता है तो उस पर भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को गाइड कर दूंगी ठीक हो गया अभी देखिए मुझे इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा खुदा हाफिज़ फी ए